बच्चे महोदय किसके कारण लिखते हैं किसके नहीं लिखते? वो तो सारा जो अपने अपनी मर्जी से जो शक्ति चाहेगा वही होगा, बाकी नहीं। प्रधान प्रधान के सचिव महोदय नहीं लिख रहे हैं, आम पब्लिक के नहीं लिखेंगे फिर क्या प्रूफ है, कहाँ जाएंगे भैया? हाँ जी, जो शक्ति कहेगा वही होगा। सचिव महोदय आपका क्या कहना है इस बारे में? आपकी कंप्लेंट है कि आपने 126 काम लिखवाए? नहीं, 126 नहीं लिखवाए, काम लिखाए वार्ड में से पूरी डिटेल है, 126 निकाले जो जरूरी जरूरी होने थे। अच्छा, कुछ कर पाए 126 के 26 काम नहीं लिखाए। अच्छा, जो जो जिसका अच्छा अच्छे काम थे वो जो जिनके बेचारे जायज थे वो वार्ड मेंबरों ने दे दिए। अच्छा, हमने दे दिया सेक्रेटरी के पास। हाँ जी, अब सेक्रेटरी साहब बोला हमारे पास है नहीं, हमारे पास प्रूफ है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी साहब माध्यम से कराएंगे हम, सेक्रेटरी साहब के हमारे पास ये लिस्ट नहीं है, मेंबरों के पास लिस्ट नहीं है। तो इसका अगर प्रधान उप प्रधान के सचिव महोदय नहीं लिख रहे हैं और आम पब्लिक के नहीं लिखेंगे फिर क्या प्रूफ है, कहाँ जाएंगे भैया आप लोग? देखो, ये ग्राम पंचायत धनियारा के उप प्रधान जी बोल रहे हैं कि सचिव महोदय जो है हमारे काम ही नहीं लिखते। नहीं, जो सेक्शन आते हैं उनको भी लिख रहे हैं, जो प्रधान जो आप लिख रहे हैं, जो आप सैंक्शन करके ला रहे हैं उनको भी लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे उसको सर। फिर किसके लिखेंगे आप सचिव महोदय? आप बताइए इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं उप प्रधान जी? देखिए जनाब, ये जो सैंक्शन का जो प्रोसेस है, सेल्फ में डाल 125 की में डाल रही है, 125-26 की में। अच्छा, अच्छा, उसके बाद जो सैंक्शन का प्रोसेस है, जो पंचायत में सबसे पहले जो उसके डॉक्यूमेंट जो पूरा करना पड़ता है, उसकी फॉर्मेलिटी होती है, उसकी एक कॉपी यहाँ रखी होती थी पंचायत ऑफिस में, दूसरी कॉपी जो है बीडीओ ऑफिस में। ठीक है, फिर बाद में क्या किया उधर बीडीओ ऑफिस में, इनको जो सैंक्शन देते थे हमने, ठीक है ये काम ऐसे करना कि भाई उधर कॉपी जो सैंक्शन डॉक्यूमेंट की जो फाइल तैयार हुई किसी पार्टी का किसी का वर्क की, तो उस वर्क की फाइल जो उधर ऑफिस में जाती थी, लेकिन बीडीओ ऑफिस में आजकल वो फाइल नहीं रख रहे, वो बोलते कि पंचायत में आप डॉक्यूमेंट जो मेंटेन करेंगे पंचायत। अच्छा, तो अगर जो डॉक्यूमेंटेशन जो इसका जो होगा पूरे डॉक्यूमेंट्री होगी उसमें क्या है कि सबसे पहले तो जिन कामों की सैंक्शन लानी है उनके डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी सैंक्शन के लिए भेजेंगे। लेकिन हमने ये बता दिया इनको कि इसके डॉक्यूमेंट बोले जी हमने तैयार कर लिए। अच्छा, करेंगे सैंक्शन के लिए लिखवा दिया। अच्छा, प्रस्ताव लिखवाए। अच्छा, अच्छा प्रस्ताव में जो लिखा वो भेजे हमने, बस कर बंद कर कट हो गया खत्म, कोई और कुछ कुछ वहां से वीडियो से कुछ वर्कों के लिए कट लग गया जो नहीं उठा है। अच्छा, लेकिन सैंक्शन इतनी ज्यादा नहीं दी जाती कि भाई 64 काम इतने सैंक्शन देते हैं, सैंक्शन वीडियो ने 64 वर्क, लेकिन ये 64 काम इनको मैंने यही बताया कि आप नहीं, आप यहां खुद डिसाइड कर देते हैं कि इतने काम नहीं दिए जाएंगे। पब्लिक तो 1000 आएगी, वो तो 1000 काम लिखवाएगी आपको, आप उतने लिखेंगे, आप कर लेंगे डिसाइड। सेल्फ का जो पास होना, हाँ जी, और काम करवाना, क्या ये 64 काम क्या एक ही महीने में खत्म कर लेंगे पब्लिक जो पंचायत बॉडी है? अच्छा, नहीं होगा ना, सैंक्शन लेना पड़ती है, जैसे कि बीच बीच में लेना पड़ता है। अच्छा, आप जाते हैं सचिव महोदय, आप जाते हैं सैंक्शन लेने के लिए? इसके बारे में प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं? इसके बारे में बोलता हूँ, जो सेक्रेटरी साहब गलत बोल रहे हैं भाई, जो जिन कामों की पहले कागजात चाहिए, ये जब तक पब्लिक से जब तक सैंक्शन नहीं, मंडी से वीडियो दे सकता, जब तक कोई भी अपना डॉक्टर नहीं बना सकते, पब्लिक को किसी को नहीं बोलेंगे, फालतू खर्च नहीं कराएंगे पब्लिक का। जब सेल्फ में पड़ा हुआ तब, परंतु इन बंदों का जो बंदा सेल्फ में पड़ा हुआ वो काम भी जो किसने काटेगा लिखे वो भी सेल्फ में पास हुए हैं जिला परिषद से, जबकि जो ये बोलता है अभी काम कागजात है, बताइए किन कामों को सैंक्शन आए, उन कामों को आपके इसके पास काम सेक्रेटरी के पास से कागजात पूछिए, है आपके पास इसके पास सेक्रेटरी के पास, तो बताइए आप ये तो जो काम या सैंक्शन आए इनका काम बताइए। ये तो पब्लिक बैठी है हमारे जनरल हाउस में, सब सुन रहे हैं, हमारी पब्लिक है ग्राम पंचायत धनियारा की, बताइए इसका काम। अब सब साहब जिनका काम आप सैंक्शन आए उसकी कागजात बनूंगा मैं, उसको भी कल सवेरे डीसी के पास बच्चे टाइम पहले बताओ, जो काम अपने सैंक्शन उनका फटाफट बताइए काम कहाँ है, हम भी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे आप, क्यों देखो बदला है ना आप,
आप बोल, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप आराम से जो आया करता है, जिन बंदों को अपने खास करने बंदे उनका काम दे, बगैर बगैर कागजातों से, जिसने जो अफिडेविट नहीं कागजात बोलता है, कागजात पहले होने चाहिए, किसी के काम नहीं, जो जो उसके अपने चाहते बंदे थे उनका काम दिया, जिसने आपको कागज लिए, जो जो सेंक्शन आई हुई थी, जो गंदा पानी की निकासी सेंक्शन आई थी और रोड के लिए आई थी, उस बंदे ने नहीं लिखा, या बताया सेक्रेटरी ने इनकार किया, प्रधान ने इनकार किया, या मेम्बरों ने इनकार किया, किसने काम इनकार किया? हाँ जी प्रधान जी, आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में, क्या मैटर है? सर मैटर वो मेरे को पता लिखाए तो थे बाढ़ में, उन्होंने काम कर रहे, लेकिन मैंने भी इनको बोला लिखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कि ये काम करके लिखवाया था, क्या जो ये बोल रहे हैं कि सच में जो काम लिखवाए थे वो सेक्रेटरी महोदय ने नहीं लिखे? लिस्ट कहाँ होती है? पढ़ा लिखा बच्चा कोई है तो इस मोबाइल से निकाल के देख सकता है, मेंबरों के पास भी लिस्ट थी, इसके फोटो लिए हमने पहले बता था। आपके मोबाइल में वो लिस्ट है जो काम लिखवाए थे? हमारे पास है। अच्छा, लिस्ट हमने फोटो लिए है। तो सचिव महोदय किसके कार्य लिखते हैं, किसके नहीं लिखते हैं? वो तो सारा जो अपने अपनी मर्जी से जो सेक्रेटरी चाहेगा वही होगा, बाकी नहीं होगा कुछ भी। हाँ जी, जो सेक्रेटरी कहेगा वही होगा। सचिव महोदय आपका क्या कहना है इस बारे में? वो कैसे जान पहचानी है इसके, ये सेक्रेटरी साहब इसी प्रयास से जमा हुआ है, इसे कैसे पहचाननी इसकी? नहीं नहीं, वो तो मैं भी इनको पर्सनली जानता हूं। कहां बोलता है, झूठ बोल रहा है? ये पंचायत में आने से पहले हमने भी इनसे एक शब्द पूछा था तो इन्होंने ऐसा जवाब दिया था कि मैं यहां हूं। नहीं होगी बात, होगी आप जहां मर्जी जाओ, होगी अब ढंग से आप जहां मर्जी जाओ। प्रधान जी सुनिए और